केंद्र सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई तो विरोध शुरू हुआ, लेकिन सरकार द्वारा लाए गए ये बिल कानूनी रूप ले चुके हैं। फिर भी सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार के कानूनों का दूसरा विकल्प तलाश कर रही हैं। पंजाब के बाद राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। कृषि बिल भी पास हो गए, फिर कानूनी रूप भी दे दिया गया। संसद से लेकर सड़क तक, विपक्ष से लेकर अन्नदाता तक ने खूब विरोध किया और हंगामा किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। अब हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। इसी तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी केंद्रीय कृषि कानूनों में किए गए प्रावधानों को बदलने के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें खुद के विधेयक लाने के लिए नवंबर में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाकर कृषि कानूनों में संशोधन करने के साथ ही एमएसपी और स्टॉक लिमिट जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी थे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 3 विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो राज्य सरकारों ने तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों का विकल्प ढूंढ लिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।